सो हेलो डियर स्टूडेंट, वांट फैक्टर में एक छोटा सा टॉपिक और है जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज रिलेशन बिटवीन वांट फैक्टर आई एंड अल्फा. अल्फा क्या है? इट इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, या फिर हम इसे कहते हैं और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, बोथ द नेम्स, ठीक है. या फिर अब जहाँ पे डिसोसिएशन होगा वहाँ पे हम अल्फा को कहेंगे एज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और जहाँ पे एसोसिएशन हो रहा होगा वहाँ पे हम कहेंगे इसको अल्फा को डिग्री ऑफ एसोसिएशन. तो यहाँ से इन दोनों के बीच का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हम डिराइव कर रहे हैं. डायरेक्टली भी बता सकते हैं पर छोटा सा है, आप बस एक बार देख लीजिए इसे, सो दैट कॉन्सेप्ट जो है वो आपको और क्लियर हो जाए. सो लेट अस टेक द फर्स्ट केस ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है. द फर्स्ट केस दैट वी आर टेकिंग आउट हियर इज डिसोसिएशन, ठीक है. सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ले रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है. वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होगा तो क्या हो जाएगा? तो स्ट्रांग के केस में 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपका 100% आ जाएगा. सो फॉर एग्जांपल अगर ये एन एक मॉलिक्यूल है और ये क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है. अब डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा? एन टाइम्स ए बनाएगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एन ए सी एल है, तो एन ए सी एल डिसोशिएट होगा किस में? एन ए प्लस प्लस सी एल माइनस में. वहीं पे अगर मैंने लिया होता सोडियम कार्बोनेट, दैट इज एन ए टू सी ओ थ्री, तो ये कैसे टूटता? टू एन ए प्लस, यही तो टूटता. जैसे अगर मैंने एन ए टू सी ओ थ्री लिया होता तो ये डिसोशिएट कैसे होता? ये डिसोशिएट होता एन ए प्लस कितने? दो. ये जो यहाँ पे इसका सब्सक्रिप्ट में लगा वही आगे हो जाता और प्लस क्या हो जाता? सी ओ थ्री टू माइनस चार्ज हो जाता, ठीक है, चार्ज बैलेंस हो जाता, ठीक है. तो यहाँ पे जनरल इक्वेशन हम ले रहे हैं कि ऐसे डिसोशिएट हो रहा है. फॉर टाइम टी, टी जब जीरो है स्टार्टिंग पोजिशन पे, रिएक्टेंट आपका हमने माना है कि वन है यहाँ पे, तो उस केस में जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो जीरो होगा, ठीक है. आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर टी इक्वल टू टी वन, कुछ समय के बाद, अब जो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है उसमें से हमने माना कि अल्फा डिसोशिएट हो गया, मतलब अल्फा हिस्सा टूट गया है, ठीक है. तो अगर यहाँ से अल्फा निकला है तो ये क्या हो जाएगा? वन माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है. अल्फा निकलता पर यहाँ पे कितने मोल्स हैं इसके? यहाँ पे देखो एन है, तो ये क्या हो जाएगा? एन इंटू अल्फा, ठीक है, समझ में आ रहा है. मैं कह रही हूँ कि जब वन था, यहाँ पे देखो ये वन था, तो इसके लिए कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे थे? एन बन रहा था. अब मैंने कहा कि अल्फा निकल रहा है, तो अल्फा निकलेगा तो कितना हो जाएगा? एन इंटू अल्फा हो जाएगा, वही मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है. अब देखो जो आई होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा, आई क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोशिएशन एंड बिफोर डिसोशिएशन अपॉन बिफोर डिसोशिएशन. आफ्टर की बात करें तो आफ्टर के केस में ये टूटे हुए भी होंगे और उसके साथ जो सोल्यूशन था वो भी तो होगा. तो ये जो है आपका, ये आपका है ऑब्जर्व्ड, ठीक है, यानी कि आफ्टर की बात कर रहे हैं तो उस समय जो मोल्स होंगे वो डिसोशिएटेड भी होंगे और सोल्यूशन का भी होगा. तो क्या हो जाएगा? ये वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है. बिफोर क्या केस था? बिफोर कितने मोल्स थे? वन, ठीक है. अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है कि आई इक्वल टू वन प्लस कॉमन ले लो अल्फा, अल्फा आपने कॉमन लिया तो ये देखो क्या हो जाएगा? एन माइनस वन, ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है. वन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा माइनस अल्फा, ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है अपॉन वन. तो अल्फा आपने कॉमन लिया तो क्या बचा? एन माइनस वन, ये अल्फा आपका, ठीक है. अब यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आ रहा है कि जो अल्फा है, ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें तो अल्फा एन माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई माइनस वन, ठीक है. नाउ अल्फा क्या हो जाएगा? तो अल्फा विल बी आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, ठीक है. तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दिस इज फॉर द केस ऑफ डिसोशिएशन, ये याद रखना है आपको, ठीक है. मैं बाद में लास्ट में आपको वो तरीका भी बताऊंगी सो दैट कन्फ्यूजन ना हो और आपको याद भी रहे, ठीक है. तो ये डिसोशिएशन का केस है, तो ये रिजल्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है, अल्फा के बीच का रिलेशन और वांट ऑफ फैक्टर के बीच का रिलेशन. अब मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ. अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एसोसिएशन के केस में आई और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है. अब देखो स्टार्टिंग टी जीरो पे हमने माना कि वन था, ठीक है, ये रिएक्शन देखो एन मॉलिक्यूल्स थे,
एसोसिएट उठ के क्या बन गया, ए और एन। इसका मतलब क्या, ये एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अबाउट द एसिटिक एसिड सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। तो हमने देखा था कि जो एसिटिक एसिड है उसका डाइमर बन जाएगा, ठीक है। सो टी टाइम के बाद आप क्या देख रहे हो कि इसमें से हमने माना कि 1 माइनस अल्फा अल्फा एसोशिएट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, अल्फा एसोशिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो देखो, जब यहाँ पे एन मोल्स था तो बन क्या रहा था, एसोशिएट हो गया, वन बन रहा था, बन रहा था कि नहीं। अगर हम मानते कि अगर यहाँ पे ये वन होता तो क्या हो जाता, वन बाई एन होता, ठीक है। अब हमने कहा कि इसमें अल्फा एसोशिएट हो रहा है, तो अल्फा एसोशिएट होगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा बाई एन, ठीक है। समझ में आया, एन जब था तो एसोशिएट होके वन बना। अगर हम कहते हैं कि वन होता तो क्या होता, वन बाई एन का एसोसिएशन होता। हमने क्या कहा कि अभी अल्फा अगर एसोशिएट हो रहा तो क्या हो गया, अल्फा बाई एन हो जाएगा। अल्फा अगर हमने पार्टिकल लिया तो उसका एसोसिएशन क्या हो जाएगा, अल्फा बाई एन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा अपॉन एन, ठीक है। जब आपने ये लिख लिया ना तो चीज़ें आपकी सिंपल हो जाएंगी। फिर अगेन वही आई बराबर क्या था, आफ्टर एसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन बिफोर एसोसिएशन, ठीक है। तो आफ्टर की बात करें तो आफ्टर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, वन, यहाँ पे देखो, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन और अपॉन में स्टार्टिंग में कितना था, वन, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं, तो देखो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू वन माइनस अल्फा, हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस अल्फा कॉमन लिया, कॉमन लिया, तो बचा यहाँ पे देखो क्या है, माइनस अल्फा कॉमन बच गया यानी वन, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये बचेगा वन बाई एन, ठीक है। देखो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा, माइनस माइनस प्लस, और अल्फा अपॉन एन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कि अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं तो ये अल्फा को अगर मैं इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, वन माइनस वन अपॉन एन, और इसको मैंने इधर लाया तो क्या हो जाएगा, वन माइनस आई, समझे। इस क्वांटिटी को मैंने इधर ले गई और आई को मैंने इधर लाया तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अल्फा बराबर क्या आ रहा है, वन माइनस आई अपॉन वन माइनस वन बाई एन, ठीक है। तो ये अल्फा की वैल्यू यानी कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन है फॉर एसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। वहाँ पे क्या था, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था। दोनों इक्वेशन आपको ध्यान देना है। अब होता क्या है कि आप कैसे ध्यान आप समझते हैं वो ट्रिक, जिससे हम इसको एसोसिएशन और डिसोसिएशन में आई और अल्फा का रिलेशन याद कर सकते हैं। तो डिसोसिएशन की बात करें तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो आई है जिसको आपको याद रखना है, दैट इज वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। एसोसिएशन की बात करें तो आई क्या था, आई इक्वल टू वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, ठीक है। तो इक्वेशन दोनों नियरली आपके सेम है, बस चेंज जो है वो एन अल्फा में है और यहाँ पे अल्फा बाई एन हो गया है, बस इतना सिंपल से। और अल्फा की वैल्यू अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें अल्फा की, तो अल्फा बराबर आपका आ जाता है आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, और यहाँ पे एसोसिएशन के केस में बात करें अल्फा बराबर क्या जाता है, वन माइनस आई और 1 माइनस वन बाई एन, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, मेन इक्वेशन ऊपर वाले को ही याद रखना है जो आपको n अल्फा और n बाई अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि डिसोसिएशन केस में i ग्रेटर देन 1 होता है और एसोसिएशन में i लेस देन 1 होता है, ठीक है। सो सपोर्ट योर चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।